मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, आज संविधान में अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई। यानी कि कहेगा कैगो अनुसूची जुड़ा है, तो 12 अनुसूची जुड़ा है। इसको जल्दी से याद करेंगे और एकदम ऐसे पढ़ेंगे कि दिमाग में छप जाए। तो दिमाग में छपने के लिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, अगर हम पहले समझाई दे, देखो पहला अनुसूची क्या है। पहला अनुसूची अगर बोले संविधान का पहला भाग हो, पहला अनुच्छेद हो या पहली अनुसूची हो, सब में भारत के राज्य और उसके संघ शासित प्रदेश का वर्णन है। यानी सर इसके राज्य और यूनियन टेरिटरी का वर्णन है। पहला भाग हो, पहला अनुच्छेद हो, पहली अनुसूची हो, राज्य का क्षेत्र और संघ शासित प्रदेश का वर्णन है। दो नंबर में दोस्तों, दो नंबर में क्या है, तीन नंबर में क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम अनुसूची दो की बात करें तो अनुसूची दो में 9 संवैधानिक पद है, जैसे भारत का राष्ट्रपति हो गया, राज्यों के राज्यपाल हो गए, लोकसभा के स्पीकर हो गए, लोकसभा के उपाध्यक्ष हो गए, राज्यसभा के सभापति हो गए, उपसभापति हो गए, विधानसभा के ऐसे विधानसभा के सभापति उपसभापति ऐसे मतलब स्पीकर उप और क्या कह रहे हैं विधानसभा के उपाध्यक्ष। अगर हम बात करें और तो सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज और सीएजी, ऐसे करके टोटल 9 गो ऐसा पोस्ट है जिसका वेतन और भत्ता लिखा हुआ है। वेतन भत्ता, भत्ता मतलब जैसे महंगाई भत्ता हो गया, रहने के लिए खाने के लिए सब मिलता है, ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है, यात्रा भत्ता, और पेंशन की चर्चा 9 संवैधानिक पदों का है। तीन में क्या है, जिसका जिसका वेतन लिखे हैं उसी के शपथ का वर्णन है, उसी के शपथ का वर्णन है। ध्यान दे दीजिए, अब बात को समझिएगा, 9 संवैधानिक पोस्ट का शपथ का वर्णन है। अगर हम इंपॉर्टेंट, इसको मेन है कि याद कैसे हो, तो हम आपको पहले बताएं कि भाग एक हो, अनुसूची एक हो, अनुच्छेद एक हो, भारत के राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है। दो नंबर में कहेगा तो कहिए सर दो नंबर से तो पैसा कमाता है आदमी गलत धंधा करके, दो नंबर से तो पैसा कमाता है, अरे दो नंबरिया पैसा होता है, दो नंबर में वेतन भत्ता पेंशन का उल्लेख। तीन में क्या है सर, तो तीन में देखो तीन अक्षर है, स प थ, तीन में तीन अक्षर स प त, विभिन्न संवैधानिक पदों के 9 संवैधानिक पोस्ट है उनके शपथ का वर्णन है। एक बार हम लोगों का टाइम बचे, क्योंकि हम लोग एकदम आखिरी बार कर रहे हैं एग्जाम पर डायरेक्ट दिमाग में छपने वाला काम, तो इसको याद करने का कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए, अगर हम बोले अनुसूची टोटल कितने हैं सर, मूल संविधान में 8 थे, मूल संविधान में 8 थे, 4 गो नया जुट गया, आज वर्तमान संविधान में कितने हैं, तो वर्तमान में सर 12 है। पहला अनुसूची का बात करें तो भारत के राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र का वर्णन है। पहला अनुसूची हो, पहला अनुच्छेद हो, पहला भाग हो, यही चीज। द्वितीय में क्या है सर, सर दो नंबर से तो पैसा कमाते हैं, दो नंबर से पैसा कमाते हैं, कहना वेतन भत्ता और पेंशन, किस किसका संवैधानिक पोस्ट, किस कौन संवैधानिक, 9 गो आपको हम गिनवा दिए, वो याद रखने का भी जरूरत नहीं है। तीन की बात करें, तीन में कहिएगा, तीन में तीन अक्षर का नाम है, स प थ, खाली सुनते जाइए आपको निश्चित याद होगा, स प थ, तीन में तीन अक्षर स प थ, यही 9 पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख है। चार में क्या है सर, तो ध्यान दो, देखो मेरी ओर देखो, आपको कंप्लीट याद हो जाएगा। चार की बात करें तो चार में आप कहना सर, जहां चार यार वहीं रात हो गुलजार, अमिताभ बच्चन का बड़ा प्यारा गाना है, जहां चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार। सर चार यार अपने आप को राजा समझ रहा है क्या, राजा से राज्यसभा आपको ध्यान रखना है, हर राज्य से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के सीटों का आवंटन है, हर राज्य से राज्यसभा में कुछ मेंबर जाते हैं, जैसे बिहार से 16 मेंबर जाते हैं, तो राज्यसभा में राज्यों से कितने सदस्य जाएंगे वो चीज अनुसूची चार में लिखा हुआ है। बस सीधा कहना सर, जहां चार यार वहां रात हो गुलजार, ये अपने आप को राजा समझ रहा है राज्यसभा। अगर हम पांच की बात करें, देखो मेरी ओर देखिए, आपको निश्चित याद होगा, गारंटी है याद होगा। अगर हम पांच की बात करें तो अच्छा एक बात बताइए, पांच कैसे लिखते हैं सर, पांच ऐसे ही लिखते हो क्या, अरे पांच ऐसे ही लिखते हो, जैसे बोले ऐसे पांच, कहना समझ गए सर, यही तो SC है आ यही तो ST है, यानी SC ST के प्रशासन का उल्लेख है। पांच में पांच कैसे लिखते हैं, पांच सर ऐसे लिखते हैं, SC ST के प्रशासन का वर्णन है।
पांच में SC ST के प्रशासन का वर्णन है, छह में जो पांच में है वही है लेकिन थोड़ा सा अंतर है, छह में जो पांच में है वही है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। सर छह में भी SC और ST के प्रशासन का वर्णन है लेकिन सिर्फ चार राज्यों में, सिर्फ चार राज्यों में ये बात, सॉरी सिर्फ पांच राज्य लिख दिए हैं, नहीं सिर्फ चार राज्यों में दोस्तों, सिर्फ चार राज्यों में अनुसूची छह में सिर्फ चार राज्यों के SC ST क्षेत्र के जाति, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के प्रशासन का उल्लेख है, SC और ST दोनों कर लेंगे। ध्यान सुनिएगा सर, ये छह कैसे याद रहेगा, तो सर सिर्फ चार चार राज्य, वो भी कौन सा राज्य, तो बड़ा आसान है, राज्य कहिएगा सर AMTM, AMTM। अगर हम आपको थोड़ा मैप भी दिखाते चलें तो गौर फरमाइएगा दोस्तों, अगर हम बात करें तो यही असम है, असम के बाद कौन सा है, मेघालय, इसके ठीक नीचे मेघालय है, मेघालय के बाद त्रिपुरा है और मिजोरम है, बस असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम ये उत्तर पूर्व के राज्य हैं। लड़का को कंफ्यूजन होगा, मौ से असम तो क्लियर है सर, मौ से मिजोरम ठीक, मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, सर मणिपुर, तो ध्यान रखना मणि के पास पूरा मणि है, जब पूरा मणि है तो SC ST नहीं होगा, तो मणिपुर का नहीं है, यानी कि असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। एक बार मेरे साथ याद करो, क्या याद हुआ, अनुसूची एक में क्या है सर, राज्य और उसके क्षेत्र का वर्णन है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, दो दो नंबर से रुपया कमाते हैं सर, तीन तीन नंबर की बात करें तो तीन अक्षर है स प थ, चार सर जहां चार यार, ये तो राजा हो गया सर, ये राज्यसभा में दोस्तों प्रतिनिधित्व का वर्णन है, राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन का वर्णन है, प्रतिनिधित्व का वर्णन है। अगर पांच बोले तो कहना सर ऐसे पांच लिखे हो, SC ST का वर्णन, SC ST के प्रशासन का उल्लेख, SC पूरे देश में, पूरे भारत में, सर छह में क्या है, यही है लेकिन सिर्फ चार राज्य, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, मणिपुर नहीं है क्योंकि उसके पास पूरा मणि है, और पूर्वोत्तर भारत में असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, पूर्वोत्तर में मणिपुर भी है, नागालैंड भी है, लेकिन उसके बारे में चर्चा नहीं है। अगर हम बात करें तो क्या ये क्लियर है, पांच छह अनुसूची क्लियर है, अब तो कुछ है ये नहीं है जी। सातवां अनुसूची कहना सर, सातवां अनुसूची एकदम क्लियर है, सातवां अनुसूची में सूचियों का वर्णन मिलता है, अनुसूची सात में सूची का उल्लेख है, सूची को इंग्लिश में लिस्ट बोलते हैं और अनुसूची को शेड्यूल बोलते हैं, लिस्ट का उल्लेख है। हमारे संविधान में तीन प्रकार के सूचियां बनाई गई हैं, दो सूची तो हम लोगों ने राज्य सूची और केंद्र सूची, यह भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है, जबकि एक सूची है समवर्ती सूची, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोगों ने अपने आप संविधान में अडॉप्ट किया है। सीखने में दिक्कत क्या है, तो हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तीन तरह की सूची है, संघ सूची केंद्र सरकार के, और राज्य सूची, और दोस्तों समवर्ती सूची। ध्यान से सुनिएगा, संघ सूची का मतलब हुआ वैसे इसमें कुछ वैसे सब्जेक्ट लिखे, कुछ ऐसे विषय लिखे हुए हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र के पास है, कानून बनाने का अधिकार अगर केंद्र के पास होगा तो संघ सूची का विषय है, कानून बनाने का अधिकार अगर राज्य के पास है तो वो राज्य सूची का विषय है, और कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों का है तो वो समवर्ती सूची का विषय है। आपके मन में आएगा कि अगर सर केंद्र अलग कानून बोले, राज्य अलग कानून बोले, ता ऐसा भी मन में आता होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर केंद्र और राज्य दोनों में विवाद हो गया तो केंद्र मान्य ज्यादा होगा, हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप कर सकते हैं किसी मामले में। बोलो सातवां क्लियर है, सो से सात, सो से सूची, कहिएगा सर सातवां में सूची का वर्णन है, तीन तरह की सूची है, जिस पर सिर्फ केंद्र कानून बनाएगा वो संघ सूची, जिस पर राज्य कानून बनाएगा वो राज्य सूची, और जिस पर दोनों कानून बनाएगा वो समवर्ती सूची है। अगर केंद्र सूची की बात करें तो केंद्र सूची में संविधान की मूल संविधान में, जब संविधान लागू हुआ था तो उसको मूल संविधान कहते हैं, और आज के संविधान जिसमें कई संशोधन हो गए उसको वर्तमान संविधान कहते हैं। अगर मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में 97 विषय संघ सूची में थे और 100 आज है, देखना ध्यान देते रहना याद निश्चित हो जाएगा। अगर राज्य सूची की बात करें तो 66 मूल संविधान में थे, 61 अभी हैं, समवर्ती सूची में मूल संविधान में 47 और आज 52। देखो एकदम आसान है, संघ सूची में विषय बढ़ गया, केंद्र राज्य सूची में विषय कम हो गया, और इसकी बात करें तो फिर विषय बढ़ गया, कुछ है ये नहीं, पहले कम हुआ
पहले बढ़ गया, फिर कम हुआ, फिर बढ़ गया। केंद्र में कम, राज्य में बढ़ गया, सॉरी केंद्र में बढ़ गया, राज्य में कम हो गया, समवर्ती सूची में बढ़ गया। बढ़ा घटा, बढ़ा तीन बढ़ा, पांच घटा, पांच बढ़ा। आपको ये क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि वर्तमान संविधान में संघ सूची में कितने विषय हैं, तो 100। अगर हम बोले राज्य सूची में कितने थे, 66, हो कितने गए, 61। जल्दी बोलो मेरे साथ, बोलो याद तो होता ही जाएगा दोस्तों, शेर बहादुर 47 समवर्ती सूची में थे और आज 52 विषय। बात क्लियर है सबको? राज्य संघ सूची में बढ़ गया, राज्य सूची में घट गया, समवर्ती सूची में बढ़ गया, बढ़ घट बढ़ हो गया। बोलो क्लियर है? अगर हम बोले ऐसी कुछ सूचियां, ऐसे कुछ विषय जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाती है, मतलब संघ का विषय है, तो आप कहेंगे सर डिफेंस, रक्षा, जनगणना। जनगणना की अगर बात करें तो जनगणना में केंद्र सरकार कराती है। मुद्रा, मॉनेटरी पॉलिसी लागू करना हुआ, आरबीआई हुआ। रेलवे, अगर सीबीआई की बात करें, ये नेशनल हाईवे, विदेश संबंध, ये सब कौन डिसाइड करता है? केंद्र सरकार। जबकि राज्य सरकार, तुम बताओ बिहार पुलिस किसका होता है? बिहार, यानी पुलिस व्यवस्था। ये देखो हम इंपॉर्टेंट लिख दिए क्योंकि आजकल चर्चा में बहुत है कृषि और सिंचाई, तो कृषि और सिंचाई राज्य सूची का विषय है। जबकि हम विवाह की बात करें, वन की बात करें, वन्य जीव की बात करें, फ्लोरा एंड फौना की बात करें, तो आप कहेंगे वन या वन जीव, फ्लोरा फौना, ये सब क्या है? राज्य समवर्ती सूची का विषय, दोनों कानून बना सकते हैं। विवाह, विवाह विच्छेद यानी तलाक, पंजीकरण, शिक्षा, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय। आप बिहार बोर्ड भी देखोगे, सीबीएसई बोर्ड भी देखोगे। यानी सर समवर्ती सूची और संघ सूची एक मामले में हमको समझ में आया। देखो जब संविधान बन रहा था, संविधान निर्माता कितने तेज थे ये समझिए। वो कह रहे थे कुछ सूची केंद्र की, कुछ सूची राज्य की, कुछ समवर्ती सूची, लेकिन कुछ ऐसे भी विषय हैं जो उस समय थे ही नहीं। जैसे 1952 में तुम इंटरनेट खोजने जाओगे, इंटरनेट नहीं था, तो इंटरनेट पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इस सब पर कानून बनाने का अधिकार किसका? तो कहा कि जो भविष्य में समस्याएं आएंगी, विषय आएंगे, वो विषय जो भविष्य में आएंगे, तो भविष्य में आने वाले विषयों को कहा वो रेसिडुअरी लिस्ट है, वह अवशिष्ट सूची है, और अवशिष्ट सूची पर अवशिष्ट शक्तियों द्वारा कानून बनाया जा सकता है। अवशिष्ट शक्तियां या रेसिडुअरी पावर संसद के पास है, इस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। देखो कभी कभी एग्जाम में संसद नहीं देता तब केंद्र सही होगा, अगर दोनों दे दिया तो संसद सही होगा। हमको लगता है एकदम क्लियर है, जल्दी एक बार रिविजन कर लेते हैं कि क्या आपको क्लियर है इतना या नहीं। अगर बोलिए मेरे साथ बोलते जाइए, अनुसूची एक हो, अनुच्छेद एक हो, अनुसूची एक हो, अनुच्छेद, पांच मिनट, अनुसूची एक हो, अनुच्छेद एक हो, या फिर भाग एक हो, सब में भारत और राज्य। दो की बात करें तो जल्दी बोलो, दो में सर, दो नंबर में, दो नंबर में पैसा, यानी कि समझ गए सर, दो नंबर में है वेतन भत्ता। तीन, तीन अक्षर का नाम, सपथ, शपथ ग्रहण। चार, चार यार मिल जाएंगे, राजा समझ रहा है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। पांच, लिखवे किए, एससी एसटी के प्रशासन का उल्लेख। छह, सिर्फ चार राज्य में, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर नहीं है। सात, सूची कितने प्रकार की, तीन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि संघ, संघ, राज्य और समवर्ती। रेसिडुअरी पावर किसके पास है? रेसिडुअरी पावर संसद के पास है। हम लोग देखते हैं दोस्तों आठवीं अनुसूची। देखो आठवां अनुसूची में भाषा है, एक दो तीन चार पांच छह सात, ऐसे उंगली पर याद करो, डायरेक्ट आपको क्लियर है। आठवीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख है। इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि 1953 में पहला भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है, तेलुगु भाषा, सॉरी आंध्र प्रदेश, क्लियर है ना? था ठीक है, तो बोले आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा। तो पहला 1953 में पहला राज्य जो भाषाई आधार पर बना है वो आंध्र प्रदेश है। 1954 में भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए एक आयोग का गठन किया गया था प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और उन आयोग का नाम है फजल अली आयोग। ये जज थे तो फजल अली की अध्यक्षता में फजल अली आयोग बना। 1954 के दिसंबर, 1954 में आयोग बना और दिसंबर में इन्होंने रिपोर्ट सौंपी। इनके रिपोर्ट के आधार पर भारत में 14 राज्य बने, हालांकि इन्होंने ज्यादा की मान्यता की थी लेकिन कोई बात नहीं, 14 राज्य बने जो भाषा के आधार पर थे, 14 राज्य जो भाषाई आधार पर बने, ये फजल अली आयोग ने कहा। वो 14 भाषा कौन कौन सी थी? कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, इसके बाद आप ले लीजिए कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, ओडिया, आसामी, इसके बाद गुजराती, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम, संस्कृत, उर्दू।
ये 14 भाषाएं थी जिसको संविधान में पहले मान्यता मिली। हालांकि संस्कृत के आधार पर कोई राज्य नहीं बना, ये बात जान लेंगे। 14 भाषाओं के आधार पर 14 राज्यों का गठन किया गया। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये 14 संविधान है, ये आपको याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। 14 के बाद हम ऐसे क्यों लिखे हैं 14+1+3+4, क्योंकि ये संशोधन से भाषा आए। और आज वर्तमान संविधान में 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में शामिल है। जो एक भाषा पहले देख रहे हो ये है सिंधी, 21वां संविधान संशोधन 1971 से जोड़ा गया। आपको ये याद नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, 21वां याद रखेंगे, 1971। ध्यान दीजिए, अगर हम बोले कि तीन, ये जो तीन भाषा जोड़ा गया ये कौन सा है सर, तो तीन भाषा है आपका, तीनों है नेपाली, नेपाली मणिपुरी, मणिपुरी नेपाली नेपाल में बोला जाता है लेकिन हमारे संविधान की संवैधानिक भाषा है, और कोंकणी। देखो याद करना कितना आसान, आप कहेंगे सर तीनों नोए से है, नेपाली मणिपुरी कोंकणी, तीन गो नौ वाला, नेपाली मणिपुरी कोंकणी। और अगर बोले कि बाद में चार भाषाएं कौन जोड़ी गई, तो ये जो चार भाषा देख रहे हो दोस्तों, ये चार भाषा में आपका आ गया संथाली, मैथिली, बोडो और डोगड़ी। बोडो और डोगड़ी ये चार भाषाएं बाद में जोड़ी गई। तो आप कहेंगे सर 21वां संविधान संशोधन 1971 से कौन सी भाषा, सिंधी। इसके बाद दोस्तों ये 71वां संविधान संशोधन आप जानते हैं, ये 71वां संविधान संशोधन से तीन भाषा, और ये 92वां संविधान संशोधन 2003 से, 92वां संविधान संशोधन 2003 से ये आपको चार भाषाएं जोड़ी गई। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, ये बात भी आप जानते हैं। ध्यान दीजिए, तो 21वां इतना याद नहीं रखना, आपको याद रखना है कि कौन सी भाषा पहले जोड़ी गई, सिंधी, फिर तीन गो नौ मणिपुरी नेपाली कोंकणी, फिर चार गो जो कहोगे तो कहना सर कोई दिक्कत नहीं है, ये थाली थीली बोडो डोगड़ी। चार गो मेरे साथ बोलो, थाली थीली बोडो डोगड़ी, थाली थीली बोडो डोगड़ी, थाली थीली बोडो डोगड़ी, बोलो ना, थाली थीली बोडो डोगड़ी। तो संथाली मैथिली बोडो और डोगड़ी ये चार भाषाएं 92वां संविधान संशोधन 1900-2003 के द्वारा जोड़ा गया है। ये आपको हम 8वां अनुसूची बता दिए। अब लास्ट हम देखते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिए, संविधान संशोधन से अनुसूची जोड़ेगी 9वां अनुसूची, 10वां, 11वां और 12वीं अनुसूची। 9, 10, 11, 12 संविधान संशोधन से आया। 9वीं अनुसूची तो दोस्तों पहला संविधान संशोधन से आया है, 9वीं अनुसूची फर्स्ट संविधान संशोधन 1951। अगर हम बात करें तो कोई एकदम आसान है। देखो हम आपको याद करवाते हैं संविधान संशोधन, तो पूरा ध्यान दीजिएगा। संविधान संशोधन की बात करें तो ये एक, यहाँ लिखना दो, यहाँ लिखना तीन, यहाँ लिखना चार। कहना सर ये क्या लिख दिए, अरे भैया एकदम सही लिखे हैं, संविधान संशोधन 1, 2, 3, 4 लिख दिए, चार के बाद पांच होता है, यहाँ शुरू मत करना, यहाँ लिखना 5, 5 और 2, 7, यहाँ पे भी 7। पहला संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, देखते ही याद हो जाएगा दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 2, 7 और यहाँ भी 7 भर दिए। पहला संविधान संशोधन 1951, 1951 ये पहला संविधान संशोधन, 1950 में तो संविधान लागू हुआ दोस्तों, 1985 में 52वां संविधान संशोधन, इंदिरा गांधी की मृत्यु 1984 में है, उसके बाद राजीव गांधी के द्वारा 1985 में, 73वां संविधान संशोधन 1992, 74वां संविधान संशोधन 1992, कई किताब में 1993 लिखा होगा, 1992 में संशोधन हुआ था, लागू हुआ 1993 में, बात अलग है। तो दोस्तों 9वां अनुसूची में भूमि सुधार की बात की गई थी, भूमि सुधार। आज 9वां अनुसूची में दोस्तों 284 सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। 9वीं अनुसूची ऐसी अनुसूची थी कि 9वीं अनुसूची में कोई विषय अगर डाल दिए तो उस विषय पर संविधान के अगर वो विषय 9वीं अनुसूची में डाल दिए तो सुप्रीम कोर्ट भी इस पर सुनवाई नहीं कर सकता, ऐसा मामला था। लेकिन हम सब जानते हैं कि 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती का जजमेंट आया था। खैर 11 जनवरी 2007 को सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर कोई भी विषय 9वीं अनुसूची में डाली गई हो तो उस पर भी हम लोग न्यायिक पुनरावलोकन करेंगे, न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी। कुल मिला के आप ये समझिए कि 9वीं अनुसूची में 11 जनवरी 2007 से पहले कोई भी कानून अगर डाल दिया तो उस पर सुनवाई नहीं होती थी, लेकिन 11 जनवरी 2007 के मामले से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद से अगर कोई भी सूची
नौवीं अनुसूची में डाली गई, तो उस पर भी न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकेगा। खैर, 52वां आपको उतना ध्यान रखना, आपको खाली 52वां भूमि सुधार याद रखना। 52वां संविधान संशोधन, इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद बड़ा दल बदल हो रहा था, इसीलिए 1985 में राजीव गांधी ने दल बदल कानून लाया। देखो इस पे बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं भारत का सिचुएशन अभी है कि दल बदल कानून चल रहा है। दल बदल कानून को एंटी डिफेक्शन बोलते हैं। दल बदल कानून को क्या बोलते हैं दोस्तों? एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं। ध्यान सुनिए, अगर एंटी डिफेक्शन की बात करें तो पहले यह था कि 1/3 सदस्य, पहले क्या था कि एक आदमी चुनाव जीतता था, पार्टी छोड़ के चला जाता था, तो उस पार्टी को ऐसा तो बन गया था, आया राम गया राम आप सुने होंगे। खैर, जब चुनाव जीत के पार्टी छोड़ देगा तो दिक्कत हो जाता था, तो लोगों ने कहा कि कोई भी व्यक्ति चुनाव छोड़ के पार्टी, चुनाव जीतने के बाद पार्टी छोड़ेगा तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। फिर उस आदमी ने कहा कि मेरे अंतरात्मा का क्या, हम चुनाव तो जीत गए लेकिन आपके साथ काम करना पसंद नहीं है हमको, तब क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए कहा कि ठीक है, अगर आपकी अंतरात्मा को नहीं काम कर रहा है तो बहुत सारे लोग चाहते होंगे, अगर कोई पार्टी में तानाशाही चल रही है तो उसके कई सारे लोग छोड़ दे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए कहा गया कि 1/3 सदस्य अगर पार्टी का, 1/3 सदस्य अगर पार्टी का दोस्तों अगर छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाता है तो उसका सदस्यता रद्द नहीं होगा, 1/3 से अगर कम जाएगा तो सदस्यता रद्द हो जाएगा। यही में फिर भी बहुत सारा खरीद फरोख्त तो आज भी चल रहा है, देखते हैं आप, खरीद फरोख्त होने लगा तो 1/3 को खरीदना कोई मुश्किल बात नहीं था। इसीलिए दोस्तों 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इस संख्या को 1/3 से हटा के 2/3 कर दिया कि अगर 2/3 सदस्य एक साथ पार्टी छोड़ के जा रहे हो, लगभग 66%, तो उनमें से किसी का सदस्यता रद्द नहीं होगा, लेकिन 2/3 से कम जाएंगे तो सदस्यता रद्द हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन से हम लोग जानते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर एंड अथॉरिटी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। भारत में पंचायती राज में 29 कार्य क्षेत्र हैं दोस्तों, साफ सफाई गली नली सब करते हैं, तो 29 कार्य क्षेत्र हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 आप जानते हैं 24 अप्रैल, आप यही डेट है 24 अप्रैल, हालांकि 1992 का डेट है जब पंचायती राज, आपको हम बता दें। 74वां संविधान संशोधन 1992 की बात करें तो इसमें ग्राम पंचायत है, इसमें नगर परिषद, इसमें क्या है, नगर परिषद है। हमको उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा, एक बार जल्दी से इसको देख लिया जाए ताकि एक नजर में आपको क्लियर रहे। दोस्त ध्यान दीजिए, अगर हम इसकी बात करें तो देखो हम लिख दिए हैं ताकि आपको ज्यादा दिक्कत नहीं करना पड़े। पीडीएफ के लिए आप जानते हैं टेलीग्राम अबो प्लेनेट में जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम और प्लेट में पीडीएफ पूरा बोर्ड का ही चला जाएगा। नौवीं अनुसूची, दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं याद करना कितना आसान, 1, 2, 3 और 4, 4 के बाद 5, 5 और 2 7, और यहां पे भी 7, बस क्लियर है। पहला 52वां 73वां 74वां, 1, 52, 73, 74, 9, 10, 11, 12 हो गया। 1951, 1985, 1992, 1992। अगर बोले इसमें क्या था, भूमि सुधार, आज कितने विषय हैं, 284। इसमें क्या था, दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन था यहाँ, दल बदल कानून, बात क्लियर है। इसमें पंचायती राज कितना कार्य क्षेत्र, 29। इसमें नगर परिषद जिसको म्युनिसिपैलिटी कहते हैं, इसमें कितने कार्य क्षेत्र हैं, 18 कार्य क्षेत्र है नगर पालिका में, जबकि गांव में कितने हैं, 29। अगर हम बात करें कि एंटी डिफेक्शन में पार्टी ए से पार्टी बी में कोई नेता जाता है तो कितना का मर्जर था, 1/3 सदस्य मर्जर करता था, लेकिन 91वां संविधान संशोधन 2003 से कहा गया कि 2/3 सदस्य मर्जर करेंगे। आपको हम बता दिए कि इसमें नौवीं अनुसूची में रखे हुए कोई भी विषय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन 11 जनवरी 2007 के बाद चुनौती दी जा सकती है, लेकिन कौन से विषय पर, जो 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती जजमेंट के बाद से जो जजमेंट आया है उसमें, क्योंकि इससे पहले संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत नहीं था। दोस्तों हमको उम्मीद है कि आपका पूरा संविधान की अनुसूची क्लियर होगा, एग्जाम में आएगा तो आप गर्दा उड़ा देंगे एग्जाम में।